2004 की 1 जनवरी के पहले जिनका भी जन्म हुआ है वो अभी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो वोटर आईडी कार्ड का प्रोसेस था वो 3 महीने से 4 महीने लग जाता है, लेकिन अभी जो वोटर आईडी का प्रोसेस है वो 1 महीने में हो जाता है। तो उसे ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करते हैं वो अभी हम दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। यहाँ से आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद ऐप का इंटरफेस ऐसा आएगा। यहाँ पर आप वोटर रजिस्ट्रेशन पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 6 को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इतने करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप फर्स्ट टाइम वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया के अंदर से वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट यहाँ से इस चार्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर के मदद से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सिलेक्ट करना पड़ेगा इस चार्ट की मदद से। इस चार्ट की मदद से कोई भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सिलेक्ट करके यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो 2 MB से कम होना चाहिए और अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप गैलरी पर सिलेक्ट करेंगे। गैलरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर परमिशन देंगे। अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करते ही आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा अपने फाइल पर मोबाइल की। तो यहाँ से आप जो भी फाइल देना चाहते हैं उस फाइल पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसको करप कर सकते हैं। करप करने के बाद राइट सिम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो का साइज़ 200 KB के नीचे होना चाहिए। इसके बाद फोटो अपलोड पर क्लिक करेंगे। फोटो अपलोड फोटो पर क्लिक करते ही आप गैलरी पर क्लिक करेंगे। गैलरी पर क्लिक करते ही आपके रिडायरेक्ट किया जाएगा आपका मोबाइल की फाइल पर। यहाँ से आपने जो भी फोटो वोटर आईडी में लगाना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और इधर से करप कर सकते हैं। आप करप करके राइट सीन पर क्लिक करेंगे। इतने करते ही आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ से आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। फर्स्ट नेम डालने के बाद यहाँ पर अपना नीचे अपना लोकल लैंग्वेज में आ जाएगा। आपको अगर गलत लगता है तो आप लोकल लैंग्वेज के कीबोर्ड डाउनलोड करके प्ले स्टोर के आप सही कर सकते हैं। नीचे आप अपना सरनेम डालेंगे। सरनेम डालने के बाद यहाँ पर नीचे अपना लोकल लैंग्वेज में सरनेम आ जाएगा। आप गलत लगता है तो आप एडिट कर सकते हैं। नीचे अपना मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक से आ जाएगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप देंगे तो चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। अगर आपका किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ना नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रिलेटिव का नाम इंटर करेंगे। रिलेटिव का नाम इंटर करते ही आपका नीचे रिलेटिव का लोकल लैंग्वेज में नाम आ जाएगा। आपको गलत लगता है तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके लोकल लैंग्वेज की आप करेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपका रिलेटिव का EPIC नंबर डालेंगे जो वोटर आईडी कार्ड में होता है। स्क्रीन में जैसे शो हो रहे ऐसे एक नंबर होता है वो इंटर करेंगे। नीचे आप इधर से आपका रिलेटिव का रिलेशन क्या है रिलेटिव के साथ वो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना हाउस नंबर इंटर करेंगे। हाउस नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर अपना जो एरिया है एरिया का नाम इधर इंटर करेंगे तो नीचे आपका लोकल लैंग्वेज में एरिया का नाम आ जाएगा। यहाँ से नीचे आप विलेज का नाम सिलेक्ट करेंगे। विलेज या टाउन उसका नाम देंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे आपका विलेज या टाउन का नाम लोकल लैंग्वेज में आ जाएगा। इधर से आप नीचे से पोस्ट ऑफिस का नाम इंटर करेंगे। नीचे अगर फिर से आ जाएगा लोकल लैंग्वेज में आपका नाम आ जाएगा, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम आ जाएगा। या फिर आपका पिन कोड इंटर करेंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एरिया टाइप क्या है विलेज टाउन सिटी वो सिलेक्ट करेंगे। एरिया टाइप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर नीचे आएंगे। नीचे से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। बाद में अपना असेंबली जो है वो सिलेक्ट करेंगे। असेंबली सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ जैसे बैंक पासबुक,
इंडियन पासपोर्ट, रेशन कार्ड या स्पीड पोस्ट, इंडियन स्पीड पोस्ट के द्वारा जो लेटर भेज दिया जाता है आपको वो दे सकते हैं। तो इसमें से कोई एक को आप सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा वो जो डॉक्यूमेंट देंगे आप, वो 2 MB से कम होना चाहिए वरना रिजेक्ट हो सकते हैं आपका फॉर्म। और ऐसे अपलोड करेंगे, अपलोड करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस दिन से इस पते पर रहते हैं। अगर आप जन्म से इस पते पर रहते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करके यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, जिसके नाम पर ये वोटर आई डी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे। डालकर यहाँ पर नीचे अपना जो भी जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं प्लेस, उस जगह का नाम डालेंगे। डालकर डन पर क्लिक करेंगे। डाउन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है, जो भी फॉर्म में भरा है, वो सब एक बार चेक कर लेंगे। अगर कोई भी गलत लगा तो आप इधर कॉर्नर पर क्लिक करके वो उसको एडिट करके फिर से वापस आ सकते हैं। अगर सही लगा तो कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को आप कॉपी कर लेना है और एक स्क्रीनशॉट भी रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी रेफरेंस नंबर आपने कॉपी किया था उस रेफरेंस नंबर को इधर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स दिखाया जाएगा कि आपने किस दिन फॉर्म को सबमिट किया है और किसके नाम पर है, कौन सा फॉर्म फिलअप किया है, वो सब दिखाया जाएगा। बाद में आपको बीएलओ अपॉइंटमेंट होगा। बीएलओ से वेरीफाई होने के बाद आपको आपका फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा।